नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम रूसो के पॉलिटिकल थॉट को कवर कर रहे हैं। तीन पार्ट्स रूसो वीडियो सीरीज के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के भी देख सकते हैं। इस पार्ट को समझने के लिए पहले के तीनों पार्ट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रूसो वीडियो सीरीज का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो स्टेट ऑफ वॉर में कैसे बदल जाता है। अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं, पहले के पार्ट्स देखे हैं, तो आपको पता होगा कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है। एक ऐसी अवस्था जहां पे लोग प्रकृति के हिसाब से काम कर रहे हैं। लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेट, गवर्नमेंट, कोई लॉ नहीं है। लोग नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो है स्टेट ऑफ नेचर। तो रूसो के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर में लोग पूरी तरह से खुश थे, पूरी तरह से आजाद थे। लाइफ का पर्पस क्या है? हैप्पीनेस, जो कि मिलती है फ्रीडम से। और रूसो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में ये दोनों था, फ्रीडम था, और इसकी वजह से लोग पूरी तरह से खुश थे, परफेक्ट हैप्पीनेस था वहां पे। तो फिर ऐसा क्या हो गया स्टेट ऑफ नेचर में कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो स्टेट ऑफ वॉर में बदल गया? मतलब कि जो रूसो जो कहते हैं कि लाइफ का पर्पस ही है हैप्पीनेस, जो कि फ्रीडम से मिलती है, और ये दोनों ही चीजें स्टेट ऑफ नेचर में थी, मतलब उस अवस्था में थी जब लोग प्रकृति के हिसाब से काम कर रहे थे, लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई अलग से स्टेट या गवर्नमेंट या लॉ नहीं था, उस वक्त लोग पूरी तरह से खुश थे, पूरी तरह से आजाद थे, और लाइफ का पर्पस ही यही है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि स्टेट ऑफ नेचर जो था, ऐसा क्या हो गया कि वो स्टेट ऑफ वॉर में बदल गया, और फिर लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट या गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना पड़ा? वो ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, होता क्या है, धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज करता है और नेचर का जो ट्रेजर है, प्रकृति का जो खजाना है, वो डिप्लीट होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं और रिसोर्सेज कम होते जाते हैं। तो हमने स्टेट ऑफ नेचर वाले वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे सब कुछ एबंडेंट था, प्रचुर मात्रा में सारी चीज़ें अवेलेबल थी, जिसको जितनी ज़रूरत होती थी वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर लेता था नेचुरल रिसोर्सेज को। लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो ये चीज़ ख़त्म होने लगी। अब जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर लेना का जो कॉन्सेप्ट था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, क्योंकि अब क्या हो गया, खाने वाले ज़्यादा हो गए और जो खाना है वो कम पड़ गया। मतलब सिर्फ दो रोटी में पूरे गाँव को खिलाना है, तो अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो मेन प्रॉब्लम यही थी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगा और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचर का जो ख़जाना है, जो ट्रेजर है, वो डिप्लीट होने लगा। अब देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब जैसे जैसे लोगों को जरूरत पड़ने लगी और रिसोर्सेस कम पड़ने लगे, तो लोग क्या है, लोगों के अंदर रीज़न है, विवेक है, बुद्धि है, तो लोग अपने लेबर का यूज़ करने लगे प्रोडक्शन के लिए। मतलब अब उनके पास उगा उगाया, रखा रखाया चीज़ें ख़त्म होने लगी। पॉपुलेशन बढ़ रहा था, रिसोर्सेज कम हो रहे थे, तो अब लोगों के पास बुद्धि है, उनके पास विवेक है, तो अब वो क्या करने लगे, अपने लेबर का यूज़ करके प्रोडक्शन करने लगे। मतलब उन्होंने प्रोड्यूस करने का आर्ट सीख लिया, प्रोडक्शन की कला सीख ली अपने लेबर का यूज़ करके, ठीक है, काम करके उत्पादन करने की कला उन्होंने सीख ली अपने रिक्वायरमेंट्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो अब देखो, पहले क्या होता था, लोगों को काम नहीं करना पड़ता था, लेबर की ज़रूरत नहीं होती थी, नेचुरली चीज़ें अवेलेबल थी, जितनी ज़रूरत है यूज़ कर लो। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ा, अब लोगों को ज़रूरत पड़ने लगी, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी, तो अब लोगों ने क्या किया कि प्रोडक्शन की कला सीख ली, आर्ट ऑफ प्रोडक्शन सीख लिया, काम करके, लेबर करके। अब जब आप अपनी मेहनत से कुछ बनाओगे, कुछ उगाओगे, तो आप कहोगे ना कि ये मेरा है। पहले आप अपनी मेहनत से नहीं करते थे, प्राकृतिक अवस्था में सब कुछ अवेलेबल था, तो आप कहते थे भाई तुम्हारा भी है, मेरा भी है, चलो साथ में जितनी ज़रूरत है यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब आप अपनी मेहनत से कर रहे हो, क्योंकि चीज़ें कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, आपको जरूरत है, आपने उगाने की कला सीख ली, प्रोडक्शन का आर्ट सीख लिया, अब आप अपनी मेहनत से चीजें बना रहे हो, उगा रहे हो अपने लेबर का यूज करके। तो अब जब आप अपनी मेहनत से करोगे, तो आप कहोगे ना कि ये मेरा है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आने लगा। अब जब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आने लगा, तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी आने लगा। क्यों? अब जो ज्यादा मेहनत करके ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, उसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, और जो कम प्रोड्यूस करेगा या जो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा किसी वजह से, तो वो जो ज्यादा प्रॉपर्टी जिसके पास है उसके ऊपर डिपेंडेंट होने लगेगा। तो यहां पर इनइक्वालिटी और डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा और लोगों के अंदर लालच आने लगा, दूसरों से ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, दूसरों से ज्यादा प्रॉपर्टी बिल्ड करूंगा, ठीक है। अब जो लोगों के अंदर नेचुरल फीलिंग थी, कंपैशन की जो फीलिंग थी, दया जो भावना थी, लोगों के दूसरों के दुख दर्द समझ पाते थे, वो अब धीरे
धीरे रिप्लेस होने लगी, ईर्ष्या में कॉम्पिटिशन उनके अंदर आने लगा। तो अब क्या हुआ, स्टेट ऑफ नेचर जो है वो स्टेट ऑफ वॉर में कन्वर्ट हो गया। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि द फर्स्ट मैन हु हैविंग एनक्लोज्ड अ पीस ऑफ ग्राउंड बीथॉट हिमसेल्फ ऑफ सेइंग दिस इज माइन एंड फाउंड पीपल सिंपल इनफ टू बिलीव हिम वॉज द रियल फाउंडर ऑफ सिविल सोसाइटी। यानी कि वो पहला इंसान जिसने एक पीस ऑफ लैंड को, एक पीस ऑफ ग्राउंड को, मतलब धरती पे कोई जगह घेर कर किसी इंसान ने जब कहा होगा कि ये मेरा है और बाकी लोगों ने उसकी बात पे यकीन कर लिया होगा, वही पहला इंसान सिविल सोसाइटी का फाउंडर होगा। ये स्टेटमेंट रूसो ने कहा है अपनी बुक डिस्कोर्सेज ऑन द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में। ये भी पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपको याद रखना है ये रूसो का स्टेटमेंट है। और ये भी पूछा जा सकता है कि रूसो ने ये स्टेटमेंट अपनी किस किताब या बुक में दी है, तो वो आपको याद रखना है डिस्कोर्सेज ऑन द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में। मतलब रूसो कहना चाहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में सब कुछ सबका था, कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन वो पहला इंसान जब, मतलब धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज किया होगा और चीज़ों की कमी होने लगी होगी, लोगों ने प्रोडक्शन का आर्ट सीखा होगा, तो उस वक्त वो पहला इंसान जिसने इसी ग्राउंड में, मतलब धरती पे कोई हिस्से को घेर कर कहा होगा कि ये मेरा है, वही इंसान सिविल सोसाइटी का फाउंडर होगा, सिविल सोसाइटी का जनक होगा। तो देखो क्या होता है, जब मैन सैवेज थे, अनसिविलाइज्ड थे स्टेट ऑफ नेचर में, तो वो खुश थे, हैप्पी थे और वो अच्छे थे। लेकिन जैसे जैसे वो रैशनल होने लगे, सिविलाइज्ड होने लगे, उनके अंदर विवेक आने लगा, बुद्धि आने लगा, तो वो एक डिप्रेव्ड एनिमल की तरह हो गए। यानी कि एक ऐसा जानवर जो ना तो संतुष्ट है, ना ही सेटिस्फाइड है और ना ही खुश है। मतलब स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, लोग हैप्पी थे, फ्री थे, लेकिन जब स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वॉर में बदल गया तो लोगों का नेचर भी बदल गया। अब वो ना तो संतुष्ट थे, ना ही सेटिस्फाइड थे और ना ही खुश थे, और लाइफ का पर्पस क्या है, हैप्पीनेस, और वही खत्म हो गई। तो अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें मेन एम क्या है, हैप्पीनेस। रूसो के हिसाब से लाइफ का पर्पस है हैप्पीनेस, जो कि फ्रीडम से मिलता है। अब ये दोनों ही चीज़ें स्टेट ऑफ वॉर में ख़त्म हो गई, तो अब लोगों को कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा ना उस चीज़ को रिस्टोर करने के लिए। लोग पहले दूसरों की खुशी में खुश होते थे, लेकिन अब जब से उनके विवेक का, बुद्धि का डेवलपमेंट होने लगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया, तब से मेरा तेरा की भावना आ गई उनके अंदर, उनके अंदर ईर्ष्या आ गया, कॉम्पिटिशन आ गया, लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, खुश नहीं थे। तो अब लोगों को क्या चाहिए, हैप्पीनेस तो चाहिए, तो अब उसके लिए कोई अल्टरनेटिव की ज़रूरत थी। अब या तो वो वापस से स्टेट ऑफ नेचर में जाते, नहीं तो प्रेजेंट सिस्टम में ही कुछ चेंजेस लेकर आते। तो वापस से स्टेट ऑफ नेचर में जाना पॉसिबल नहीं था, तो प्रेजेंट सिस्टम में ही चेंजेस करने की ज़रूरत थी। तब लोगों ने सिस्टम में चेंज लेकर आए और वहीं से सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आया, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि खुश रहने के लिए, इन ऑर्डर टू बी हैप्पी एंड फ्री, लोग कैसे आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। इस पार्ट में हम लोगों को क्या क्लियर करना था कि कैसे स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने पूरे वीडियो में क्या डिस्कस किया, हमने ये देखा कि स्टेट ऑफ नेचर में, यानी प्राकृतिक अवस्था में क्या था, लोग आजाद थे, लोग खुश थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने जाता है। स्टेट ऑफ नेचर में लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को यूज़ करते थे और वहाँ कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ता गया और रिसोर्सेज कम होते गए, तो लोगों को कमी पड़ने लगी नेचुरल रिसोर्सेज की, तो लोगों ने प्रोडक्शन का आर्ट सीख लिया, खुद से उगाने लगे। और जब आप खुद से उगाने लगोगे तो वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ये मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा है। पहले नेचर प्रोड्यूस करके देती थी तो वो सबका होता था, लेकिन अब जब लोगों को कमी होने लगी, लोग खुद से प्रोड्यूस करने लगे, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आने लगा। और जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, इनइक्वालिटी आई, जो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो ज्यादा रिच हो जाएगा, और फिर जो नीचे रह जाएंगे वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहां से इनइक्वालिटी और डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट भी आने लगा, और लोगों के अंदर एक ईर्ष्या की भावना आने लगी, कंपटीशन होने लगा कि मुझे उससे ज्यादा प्रोड्यूस करना है। और ये सारी चीजें जब आने लगेंगी, तो लोगों के अंदर से सेटिस्फैक्शन चला गया, संतुष्टि चली गई, और हैप्पीनेस भी खत्म हो गया। और लाइफ का पर्पस क्या था, हैप्पीनेस, जो कि कहां से मिलती है, फ्रीडम से। और ये दोनों ही चीजें स्टेट ऑफ नेचर में थी, लेकिन अब स्टेट ऑफ वॉर में ये दोनों ही चीजें खत्म हो गई। तो हैप्पीनेस को रिस्टोर करने के लिए लोगों ने सोचा, अब हमें कुछ अल्टरनेटिव चूज करना पड़ेगा, या तो स्टेट ऑफ नेचर में वापस चले जाएं, नहीं तो प्रेजेंट सिस्टम में कुछ चेंज लेकर आएं। और स्टेट ऑफ नेचर में वापस जाना वाज नॉट पॉसिबल, तो प्रेजेंट सिस्टम में ही कुछ चेंजेस लेकर आने के बारे में लोगों ने सोचा, और तब यहां से सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में
नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी रिप्लाई करने का। और नेक्स्ट वीडियो में हम रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को डिस्कस करेंगे।